हे गाइस, वेलकम टू वाव ट्रेवल्स। और आज मैं आपको पासपोर्ट को लेके एक ऐसी न्यूज़ बताऊंगा जिससे आपका पासपोर्ट जो है ऐसे ही हासिल कर सकते हो। सो पासपोर्ट बेसिकली द टॉपिक इज पासपोर्ट ऑन आधार कार्ड, क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो आई टेल यू, पासपोर्ट ऑन आधार कार्ड ये रूल सच है। इस पर अभी सिर्फ आधार कार्ड पे आप पासपोर्ट निकाल सकते हो, जो क्योंकि जो रूल्स है वो दिसंबर 2017 में चेंज हो गए और तब से बहुत सारे चेंजेस पासपोर्ट में आए हैं जिसमें आप फटाफट जो है प्रोसेस आपका फास्ट हो गया है। रीज़न ये था क्योंकि अभी तक जो पासपोर्ट का जो रेशो है पूरे इंडिया में सिर्फ 6% लोगों ने ही पासपोर्ट निकाला है। तो गवर्नमेंट वॉन्टेड टू मेक इट ईजियर टू गेट मोर पासपोर्ट, बहुत ज़्यादा लोगों को ये फैसिलिटी मिले, बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट मिले। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो है डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ईजी कर लिया। तो सिर्फ आधार कार्ड पे आप पासपोर्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका एड्रेस प्रूफ होता है, प्लस आपका बायोमेट्रिक्स है, क्योंकि कोई और वो आधार कार्ड नहीं निकाल सकता है। तो सिर्फ आधार कार्ड पे यस आप पासपोर्ट निकाल सकते हो। पासपोर्ट ऑफिस में आपको कोई दूसरा कोई पूछेंगे नहीं, सिर्फ आपको आधार कार्ड दिखाना है। बट कंडीशन है कि उसके ऊपर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपका सिर्फ उस पर ईयर ऑफ बर्थ है, जो काफ़ी आधार कार्ड पे होता है, तो अगर ऐसा है तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। उसके लिए अगर आप सब्स्टिट्यूट आपके पास में सिर्फ आधार कार्ड है उस पर डेट ऑफ बर्थ है तो आप पैन कार्ड रख, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पैन कार्ड रख लो। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका पैन कार्ड हो जाएगा और आधार कार्ड आपका सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए होगा। बट अगर आपका आधार कार्ड पे पूरा डेट ऑफ बर्थ है तो आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आधार कार्ड ही देना है। और ये 100% अगर आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पासपोर्ट ऑफिस में या कोई पासपोर्ट ऑफिस वाला बोलता है कि नहीं चलेगा, तो आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो पासपोर्ट ऑफिस, या आप उनको बोल सकते हो कि आप लिख के दो कि आप सिर्फ आधार कार्ड पे पासपोर्ट नहीं कर रहे हो। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जिससे आपका जो पासपोर्ट है आप इजीली निकाल सकते हो। प्रोसेस है पासपोर्ट निकालने का, आप ऑनलाइन अप्लीकेशन भर सकते हो। ऑनलाइन अप्लीकेशन भरने के बाद में आपको पूरा डिटेल्स डालना है, डिटेल्स डालने के बाद में आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डालना है। जैसे ही आपका सारी चीज़ें आप सबमिट कर देते हो, डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस लेके जा सकते हो। उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। यस, पुलिस वेरिफिकेशन में आधार कार्ड के अलावा वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो एग्रीमेंट मांगेंगे, और अगर आपका खुद का घर है तो लाइट बिल वगैरह प्रूव करने के लिए कि आपका खुद का घर है, सिर्फ इतना ही रहता है। उसके बाद वो कमिश्नर ऑफिस या एसपी ऑफिस जाता है, उसके बाद वो पासपोर्ट प्रिंट के लिए जाता है, प्रिंट होके आपका पासपोर्ट आ जाता है। अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कोई चीज़ या नहीं करके दे रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस, आप हमसे बात कर सकते हो। जो नंबर है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप आपके डॉक्यूमेंटेशन व्हाट्सअप कर सकते हो और जो है पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। पेमेंट वी ओनली चार्ज 500 रुपीज़ पर अप्लीकेशन और 1500 गवर्नमेंट का फीस होता है। तो आप डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हो। और वी हैव डन मोर देन 13,000 क्लाइम्स। ये वीडियोस में इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए भी वो चीज़ें ईजी हो जाए और आप भी ईजिली आपका पासपोर्ट निकल जाए आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।